वेलकम बैक। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में कंपाउंड प्रॉब्लम पढ़े थे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1017, 14, 1012 वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है देखिए, क्वेश्चन है, ए सॉलिड होमोजेनियस कोन ऑफ हाइट एच एंड वर्टिकल एंगल 2 अल्फा ऑक्सीलेट्स, ठीक है। इसको आप लिखिएगा, क्या ऑक्सीलेट्स लिख लीजिएगा, ऑक्सीलेट्स अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स वर्टेक्स, शो दैट द लेंथ ऑफ द सिंपल सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम, ठीक है। सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम का जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा, एच बाई फाइव 4 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों को एक होमोजीनियस कोन के लिए काम करना है, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या होता है, वो होता है के स्क्वायर बाई एच, ये आपको याद है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल के स्क्वायर होता है, और ये जो स्मॉल के स्क्वायर है ये आपका क्या है, ये है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ये होता है आपका अबाउट एक्सिस, ठीक है, थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना। पॉइंट ऑफ जो सस्पेंशन है वहां से हम लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ओ, ठीक है। और एच क्या होता है, एच होता है ओ जी। ओ जी का मतलब क्या है, ओ जी का मतलब है के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। हम लोग कुछ इसी तरीके से इसको बनाएंगे, आइए इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम लोगों को एल फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमको कोन दिया हुआ है उसको कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। हाइट उसका इसलिए लिया गया है, वर्टिकल एंगल 2 अल्फा है, ऑक्सीलेट करता है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओ एक्स, दिख रहा है, ठीक है। एम जो है कैपिटल एम मास ऑफ कोन है, तो एम को हम लोग जीरो लिखेंगे, क्यों, इसलिए कि मास का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रो है वो क्या है, वो आपका डेंसिटी है, ठीक है। और वॉल्यूम जो होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो यही है, ये रेडियस है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एच है तो इसका वैल्यू हो जाएगा h tan α, पुट अप कर देंगे तो ये निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि ये एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, तो हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, किसका डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, डिस्क का, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप डिस्क बनाएंगे तो डिस्क के एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, एक कोन बन जाता है, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग एक एलिमेंट्री डिस्क पी क्यू को कंसिडर करेंगे ऑफ मास डी एम, यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका पी, ये क्यू, ये डिस्क है, ठीक है, ये हमारा डिस्क है, दिख रहा है आपको। ओके, इसका थिकनेस क्या है, थिकनेस आप देख रहे हैं इसका डी एक्स है, ठीक है। इसका एरिया को कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। ओके, और स्मॉल इसका जो मास है वो स्मॉल डी एम है, ठीक है ना, क्लियर है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और इसको एट ए डिस्टेंस एक्स लिया गया है, जैसा फिगर में आप देख रहे हो। तो यहाँ पे जो डीएम है उस डीएम को क्या लिखेंगे, इस डीएम को हम लिखेंगे रो डीबी, ठीक है। वही वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये स्मॉल वैल्यूम है, और डीवी क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है, ए डी एक्स। अब देखिए, ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए जो होगा हमारा वो होगा एरिया ऑफ डिस्क यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस जो इसका रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स टेन अल्फा, ठीक है ना। जैसे ये एच टेन अल्फा था तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा, इसका बनेगा एक्स टेन अल्फा, ठीक है। फिर ये आ गया, चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जो रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और थोड़ा काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक
ये जो है ये हमको एक रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रिजल्ट आप देख लीजिए, ये एक रिजल्ट है लिखा हुआ है जो बार बार यूज होता है, ये क्वेश्चन का पोर्शन नहीं है ना, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट कि दो तरह का हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है अबाउट सेंटर ऑफ ग्राविटी, ठीक है, प्लस उसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, उसमें हम लोग एम एन स्क्वायर ऐड करते हैं तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्सिया मिलता है, ठीक है, अबाउट पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन बोलिए, ठीक है, या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है ना। और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो ये है कि अगर तीन एक्सिस परपेंडिकुलर है तो आई एक्स के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा और आई वाई के अबाउट में जो जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, ठीक है, उसका सम बराबर होगा तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्सिया के, ठीक है। तो ये दोनों है, तो अभी हम लोग इसको लगाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए कि देखिए, जब हम लोग डिस्क का बात करते हैं तो ये देखिए हमारा डिस्क है, ठीक है, ये मेरा डिस्क है, समझ लीजिए अच्छे से, ये है मेरा डिस्क, ठीक है, और ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, कहाँ से, पॉइंट ओ से, ठीक है। और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ से निकालने का टारगेट है, क्योंकि ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये रिजल्ट यूज करेंगे कि जो डिस्क है उसका डायमीटर के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो आप जानते हैं क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है, अगर इसका मास एम है तो ये होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो चूंकि इसका स्मॉल मास हम लिए हैं तो स्मॉल मास डी एम हो जाएगा, रेडियस इसका एक्स टेन अल्फा बाई फोर, ठीक है। अब हम इसको इस एक्सिस में शिफ्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स गैप है उसका यूज करेंगे, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है आई जी इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर आई नॉट, इसका यूज कर लेंगे, यानी आपको जो है डायमीटर के अबाउट में पता है तो उसमें एम एक्स स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा तो आपको पॉइंट ओ के अबाउट में मिल जाएगा। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया चाहते हैं ऑफ डिस्क अबाउट ओ एक्स एक्सिस तो कैसे करेंगे, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे क्या, एम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मास डी एम है तो डी एम एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक रिजल्ट है मोमेंट ऑफ इनर्सिया का, आप जानते हैं। अब डी एम का वैल्यू क्या है, तो देखिए डी एम का वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पे इसको पुटअप कीजिएगा, तो डी एम को कॉमन ले लीजिए और डी एम का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू अंदर में आता है, ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारा टेन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये सब आप खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा सिंपल लगेगा, ठीक है, ओके। चल अब इसके बाद देखिए जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो क्या आ जा रहा है, ठीक है, तो एम आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे एक्स का पावर फोर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके टेन स्क्वायर अल्फा एंड दिस वन, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है मेरे को कोन का, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ कोन, ठीक है, अबाउट एक्सिस थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन। तो हमें को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो डेफिनेटली जीरो से एच, चूंकि इसका हाइट एच है तो आइए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, डी एक्स है तो सिर्फ एक्स फोर का इंटीग्रेशन होगा, एक्स फाइव बाई फाइव और ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब के को अगर हम रेडियस ऑफ जायरेशन लेते हैं अबाउट ओ एक्स, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल के है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्मॉल के को हम लोग पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन के अबाउट में लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो फॉर्मूला तैयार होगा वो ये होगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू जो ऊपर में आया वो, यहाँ से एम का वैल्यू डालेंगे, एम हमारा क्या था, तो एम था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी रो, ठीक है, वन बाई थ्री पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे डाल दिया गया, के स्क्वायर है ये वैल्यू डाल दिए, तो जो कैंसिल होना है सो कैंसिल होगा, तो यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाता है, ठीक है। और के स्क्वायर का वैल्यू अगर आ गया तो
अब हमको सोल्व करना काफी सिंपल है, चूंकि लेंथ ऑफ जो सिंपल इक्विवेलेंट प्रॉब्लम है, ये सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम है, उसका लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर बाई ओ जी। ठीक है, अब कोन के लिए आप जानते हैं कि कोन के लिए मैंने आपको रिजल्ट बताया हुआ है कि जो कोन है सॉलिड कोन, ठीक है, जो कोन है तो कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, अगर पूरा हाइट h है आपका, तो ये यहाँ से नीचे से h बाई फोर पे हाइट पे होता है और ऊपर से 3h/4 हाइट पे होता है। तो ओजी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3h/4 पुट अप करके सॉल्व कर दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरीके से आप प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कैसे इसको डील करना है आइए देखते हैं क्या है। बोलता है राइट दी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम व्हेन ए ट्रायंगुलर लेमिना ऑसिलेट्स अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स वर्टेक्स। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों को लेमिना दिया हुआ है, वो भी क्या है, ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर लेमिना हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ओ ए बी, ये मेरा ट्रायंगुलर लेमिना है। ठीक है, क्लियर है, अच्छा, तो देखिए लेट द ट्रायंगुलर लेमिना, जो ट्रायंगुलर लेमिना है हम लोगों का, उसको हम लोग एबीसी मानेंगे। ठीक है ना, ये तो ये रॉन्ग फिगर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको हटाइए, इस फिगर को मत देखिएगा। ठीक है, जो फिगर है ये रॉन्ग है, फिगर नीचे आएगा। तो ट्रायंगुलर लेमिना, चूंकि ये ट्रायंगल जैसा है भी नहीं, तो ट्रायंगुलर जो लेमिना है वो एबीसी होगा, ऑफ मास एम ऑसिलेट्स थ्रू इट्स वर्टेक्स कैपिटल ए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अबाउट एएल इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सियाज ऑफ थ्री पार्टिकल्स इच ऑफ मास एम बाई थ्री प्लेस्ड एट मिडिल पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स। ठीक है, देखिए ये बात समझने वाली है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है ना, कि जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग का देखिए ये है हम लोग का ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लेमिना है ये एबीसी, और इसी के अबाउट में ये ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, इधर का लेंथ ए है, इधर का लेंथ बी है, इधर का लेंथ सी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, चूंकि ये तीनों सॉलिड है, ठीक है, तीनों एक रॉड है, ये भी रॉड है, ये भी रॉड है, ये भी रॉड है। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया मेरा निकलेगा, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको निकालना है वो निकालना है क्या, अबाउट एक्सिस ए एल। ठीक है ना, तो ये जो होगा पूरा लेमिना का कैसे निकलेगा, तो वो ऐसे निकलेगा कि जो सेंटर ऑफ ग्राविटी है तीनों का, इसका इसका जो तीनों का जो समझ लीजिए, ठीक है, तीनों जो रॉड है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग जैसे ए से डी, ठीक है, ए से ई और ए से एफ, ये हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ये ई जो है इसका मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, फिर ये डी भी जो है हम लोग जो लेंगे, तो वो हम लोग क्या लेंगे, वो हम लोग लेंगे मिडिल पॉइंट। ठीक है, ये भी मिडिल पॉइंट है इसका, और ये जो हम लोग एफ लिए हैं तो ये भी हम लोगों का मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तीनों को मिडिल पॉइंट लेना है पहले, तो ये ध्यान दीजिए। ओके, अच्छा, अब देखिए मिडिल पॉइंट मेरा कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर भी हो, तो परपेंडिकुलर जो होगा, ठीक है, उस परपेंडिकुलर को भी हम लोगों को नोट कर लेना है। देखिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बना हुआ है, एक्चुअली देखिए जो लेमिना है, तो जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट में ऑक्सीलेट कर रहा है ए एल। ठीक है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ये हम लोगों ने लेंथ ए लिया है, ये बी लिया है, ये सी लिया है। ठीक है ना, तो अब देखिए
इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकलेगा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाता है, आई इक्वल टू होगा एम के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के जो है वो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन है अबाउट ए एल, ठीक है, ये आपका अबाउट ए एल है, ठीक है ना। तो ये जो एम के स्क्वायर होगा ये तीनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, तीनों रड के लिए, यानी यहाँ पे होगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है, फॉर रॉड ए बी, फॉर बी सी और फॉर सी ए, ठीक है। अब हर रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पूरा मास जो है एम है, तो हर एक का मास कैसे हो जाएगा, तो चूंकि सारा जो है वो एक जैसा है तो एम बाई थ्री, एम बाई थ्री और एम बाई थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको इस पॉइंट से जो डिस्टेंस लेना है, ठीक है, तो इस पॉइंट से इसका सेंटर ले लेंगे रॉड का, चूंकि जो सेंटर ऑफ ग्राविटी है वो रॉड का मिडिल पॉइंट पे होगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग, है ना। इसको हम लोग कहेंगे ए, और ये जस्ट क्या होगा, ये हाफ होगा यानी सी बाई टू होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इधर ले लेंगे ए एफ, और ये क्या होगा, ये बी का आधा होगा यानी बी बाई टू होगा, और इधर हम लोग ले लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डी है, ठीक है, तो ए से लेकर के जो डी है ये हमको निकालना होगा कि ए डी का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, ए डी में ही कहीं पर जी होता है, आपको पता है लेमिना में सेंटर ऑफ ग्राविटी जो पूरा लेमिना का है वो ए डी में ही कहीं पर होगा, ठीक है ना। तो अगर मेरा के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है, ऑफ लैमिना या ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर शॉर्ट में किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ऑफ लैमिना लिखिएगा, ऑफ लैमिना अबाउट ए एल, अगर ए एल के अबाउट में अगर रेडियस ऑफ जायरेशन के है, कैसे डिफाइन करेंगे एम के स्क्वायर को, देखिए एम बाई थ्री ए डी स्क्वायर, एम बाई थ्री ए स्क्वायर, एम बाई थ्री ए एफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये पूरा आप इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, देखिए जल्दी हो जाएगा। एम के स्क्वायर इक्वल टू एम बाई थ्री, सब में है कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए ए डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर प्लस क्या, प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब प्लस कर दीजिए एम बाई थ्री को, फिर से चलिए एक बार लिख देते हैं, ए ई क्या है, तो ए ई है हम लोगों का सी बाई टू का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर बाई फोर, और फिर एम बाई थ्री ए एफ, ए एफ मेरा क्या है बी बाई टू, ठीक है, यानी बी बाई टू का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। अब आप यहाँ से एम एम को कैंसिल कर दीजिए, तो के स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ए बी, तो ए बी कितना है, तो ए बी जो है ये है हम लोगों का सी स्क्वायर बी डी, बी डी क्या है, तो बी डी देखिएगा तो पूरा ए है, ए का हाफ होगा चूंकि डी मिडिल पॉइंट है, तो ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बाई फोर, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे एलसीएम लेने का कोशिश कीजिए, एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो रहा है हम लोगों से, क्या मिस्टेक हो रहा है वो ये कि हम लोगों ने एडी को परपेंडिकुलर सपोज कर लिया, ठीक है, जबकि ये एक स्पेशल केस है, इसलिए कि जो मेडियन है वो परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो जाएगा, तो इसलिए ये हमको रिजल्ट नहीं देगा, तो हम लोग इस तरह से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हम लोग का थोड़ा सा सही नहीं जा रहा है, ठीक है ना, इसको हटाइए, ये रिजल्ट सही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से नहीं करेंगे, चलें। देखिए होगा तो यही जो मतलब के सिस्टम है कि हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्सिया ए बी का, बी सी का और सी ए का निकालना है,
और कैसे निकालना है तो ट्रीट कर लेना है कि ये पार्टिकल है जो सेंटर पर रखा हुआ है, सी पर, डी पर और एफ पर, ठीक है। लेकिन एडी का जो वैल्यू है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि एडी परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है। इस फिगर को देखिए, मेरा परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, ए एन हो सकता है, ठीक है। डी चलिए ठीक है, मिडिल पॉइंट है डेफिनेटली, लेकिन ये परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दूसरा कोई परपेंडिकुलर हो, जैसे ए एन यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग शो किए हैं, ठीक है। हाँ, जी आपका कहाँ पे है, जी आपका ए डी पे लाई करेगा, ठीक है ना, चूंकि ये मीडियन पे लाई करता है, और ए डी हमारा क्या है, ए डी हमारा मीडियन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ किस में होता है, ये सिर्फ आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, जब ये साइड और ये साइड आपका इक्वल होगा, तब जब आप डालेंगे तो जो मीडियन है वही परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इधर का साइड सी है, इधर का बी है, अलग अलग है, तो ये केस हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये रिजल्ट यूज करेंगे ए डी निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2 AD² + BC² एक सिंपल रिजल्ट है ज्योमेट्री का। अगर ए डी परपेंडिकुलर नहीं है तो ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर अगर आप निकालेंगे ये निकल जाएगा। अब देखिए, ए बी मेरे को पता है क्या है, ए बी मेरा पूरा जो है लेंथ सी है और ए सी मेरा लेंथ बी है, तो ये BC² + CA² हो जाएगा। अच्छा, डी सी, डी सी आप डेफिनेटली बोलेंगे क्या, A/2 है, क्योंकि हाफ लेंथ है, ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है ना, जितना इधर है उतना ही इधर है, तो ये A² / 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे तो ये AD² हमारा आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, M/3 AD², M/3 ये AE² और M/3 ये AF², ठीक है। मास इंटू जो है डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम AL, ठीक है ना। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है, तो ऐसे ही करना है हम लोगों को। आइए, इसके बाद क्या आएगा देखिए, इसके बाद जब आप सोल्व करेंगे तो K² का वैल्यू हमारा इक्वेशन 1 में पुट अप करने से ये आ जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए खुद से, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, h जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ CG, h क्या है, h है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, पूरा डिटेल में लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं रिजल्ट के जो लेमिना है, ठीक है, जो ट्रायंगल होता है, तो उसमें ठीक है ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया मीडियन ए डी। एक्चुअली फिगर आप ऐसे बनाइएगा ज़्यादा बेटर लगेगा, इसमें साफ साफ दिख रहा है, इसको आप एन ले लीजिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये जो लेंथ है बी डी और डी सी, ये आपका इक्वल लेंथ है, क्योंकि डी आपका मिडिल पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरा एफ मिडिल पॉइंट है और यहाँ पे मेरा जो ई है वो मिडिल पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मीडियन होता है उसी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और कितने हाइट पे होता है, तो ए जी का फॉर्मूला होता है 2/3 AD, ठीक है। हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, या पढ़े भी हैं, ठीक है, क्लास 11-12 में, तो आपको ए डी मालूम है, तो अगर ए डी आपको मालूम है तो यहाँ से आपका आसानी के साथ में जो है वो ए जी निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए, देखिए ए जी हमारा निकल जाएगा 2/3 AD, ठीक है, और ए डी का वैल्यू ऊपर में हमारा आया था, तो ये आ जाएगा आपका 2C², ठीक है, 2B² + 2C² - A², ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है L=K² / H, K² / H, ठीक है। तो H हम लोगों का निकल गया है, ये यहाँ पे डाल दीजिए, और K² भी ऊपर में निकल गया था, ये इसको भी डाल दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हाँ, लेकिन जो जो तरीका है, जो जनरल वे है, उससे बनाना है, ठीक है, कोई स्पेशल केस लेकर नहीं बनाना, वरना फिर हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, चलते चलते एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेंट का क्वेश्चन हम लोगों को है,
एक जो क्वेश्चन है वो आपको बेंट का भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेंट का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ए क्वेश्चन थोड़ा साफ साफ कर देता हूँ मैं। ए बेंट, BENT, ए बेंट, ठीक है, लीवर, LEVER, हुज हुज एक्सिसेस आर, ठीक, हुज आर्म्स आर, हुज आर्म्स आर ऑफ लेंथ ए एंड बी, द एंगल बिटवीन देम बीइंग अल्फा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे बेंट है मेरा, ठीक है, ओ से, ओ ए, ए ओ बी, ये मेरा बेंट है, ठीक है। ओ ए का लेंथ ए है, ओ बी का लेंथ बी है, यहाँ से ये बेंट किया हुआ है, ठीक है, और एंगल अल्फा बना रहा है, मेक्स स्मॉल ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेट कर रहा है इन इट्स ऑन प्लेन, अपने ही प्लेन में, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, अबाउट दी फुलेरम, ठीक है ना, जो इसका फुलेरम है ये इसी के अबाउट में ये क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, ये क्या है, ये होता है फुलेरम, ठीक है। ये शो करना है आपको, शो दैट दी लेंथ ऑफ करस्पोंडिंग सिंपल पेंडुलम इज क्या है, 2/3 ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए फोर प्लस 2a² b² कॉस अल्फा प्लस बी का पावर 4, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो जैसे हम लोग लेमिना बनाए थे वैसे ही हम लोग बेंट के लिए करेंगे। देखिए ये बेंट लीवर है, लेट बेंट लीवर विथ आर्म्स, ठीक है, आर्म इसका क्या है, ओ ए आपका ए है, ओ बी बी है, ए ओ बी आपका अल्फा है, ठीक है, ऑक्सीलेट, ये ऑक्सीलेट करता है इन इट्स ऑन प्लेन अबाउट दी फुलरम ओ, जो इसका फुलरम है ओ उसके अबाउट में, ठीक है, अबाउट दी फुलेरम ओ, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम देखेंगे, चूंकि दोनों रॉड है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग इक्वल डिस्टेंस a/2 पर लेंगे, यानी मिडिल पॉइंट पे लेंगे, और इसका लेंगे मिडिल पॉइंट b2 पे, b/2 पे, ठीक है, दोनों का मिडिल पॉइंट ले लेंगे और वहां पे हम लोग जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सपोज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए हमको इसका काम कैसे करना है, ठीक है, जो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे और जो रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए लेट डब्लू को मान लेते हैं हम लोग, डब्लू बी द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द आर्म, ठीक है, आर्म का जो वेट है पर यूनिट लेंथ वो डब्लू है, देन द वेट ए डब्लू एंड बी डब्लू ऑफ द आर्म्स विल एक्ट एट देयर मिडिल पॉइंट G1 एंड G2। तो देखिए डब्लू आप क्या माने हैं, डब्लू आप माने हैं, ठीक है, क्या है, ये हमारा वेट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना, स्मॉल डब्लू भी है, हर जगह एक ही डब्लू का यूज कीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा वेट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ए डब्ल्यू का वेट यानी इस पोर्शन का पूरा पूरा रॉड का लेंथ चूंकि ए है, ठीक है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू, और इसका वेट क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा जो मास है, मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, टेकिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ओ ए, जो ओ ए है इसको आप ले लीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगा, क्योंकि तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए जो है कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ G1 एंड G2 इसको कैसे डिफाइन करेंगे पहले। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो G1 का कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, जीवन का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ओरिजिन से इसका लेंथ है a/2, ठीक है, और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 0, और G2 का क्या हो जाएगा, देखिए तो ये यहाँ से अल्फा एंगल पे है, ठीक है, और ये b2 लेंथ है, b/2 लेंथ अगर है तो
तो हम लोग देखेंगे कि ये लेंथ क्या हो जाएगा, यानी ये जो लेंथ है ठीक है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली देख रहे हैं कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा बी बाई टू कॉस अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बाई टू साइन अल्फा ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है बी बाई टू कॉस अल्फा और बी बाई टू साइन अल्फा, ये जी टू का कोऑर्डिनेट है। अब दोनों का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया ठीक है, तो जब भी बेंट का सिस्टम रहे तो आपको G1 और G2 यानी दोनों रॉड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एक्स बार वाई बार को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ दी लीवर मानते हैं, यानी पूरा बेंट का अगर जी मानते हैं और उसका कोऑर्डिनेट ये मानते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए डब्ल्यू यानी वेट ऑफ वन रड और उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए एल, ए बाई टू प्लस दूसरे रड का वेट प्लस उसका डिस्टेंस ठीक है ए एल से, तो ए एल से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी बाई टू कॉस अल्फा है, देख रहे हैं आप लोग ठीक है। नीचे में दोनों का वेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा और डब्ल्यू आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है। जब हम एक्स का काम करेंगे तो जो एक्स के अलोंग में जो भी आपका डिस्टेंस है वो लेंगे ठीक है, और जब वाई में वाई का काम करेंगे तो वाई के अलोंग में, तो वाई के अलोंग में पहले का डिस्टेंस तो जीरो है, कोऑर्डिनेट जीरो है, और दूसरे वाले का बी बाई टू साइन अल्फा है। तो सेंटर ऑफ मास जो आप लोगों ने पढ़ा था तो पहले से आप लोगों को मालूम है ये सब रिजल्ट है, तो सब निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, निकाल लिया। अब देखिए एच क्या है, तो एच हमारा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सिस ठीक है, इसको हम लोग ओजी बोलते हैं ठीक है। तो अगर दोनों का सेंटर, जैसे मान लीजिए ये मेरा पूरा बेंट है, ये है मेरा पूरा बेंट ठीक है ना, दिस इज आवर बेंट, ये मेरा बेंट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G1 और G2, उन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं पे होगा ठीक है, यहाँ पे है, और इसका कोऑर्डिनेट भी निकल गया एक्स बार और वाई बार ठीक है ये ओके। तो एच जो है, एच क्या होगा, तो जब भी एच आप निकालेंगे तो आप यहां से निकालेंगे ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि अगर ये सिचुएशन है कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है ठीक है, और कहीं पे रैंडमली अगर एक्स बार और वाई बार आ गया है ठीक है, तो यहां से जो एच निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये एच होगा ओ जी ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बार का स्क्वायर और वाई बार का स्क्वायर ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अगर हम एच निकाल रहे हैं तो इधर रूट लगा देंगे, तो एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई बार का स्क्वायर ठीक है का रूट, अब दोनों वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, और पुट करने के बाद कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ हमको इसको क्या करना है, सोल्व कर देना है ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए इस तरीके से आपका एच का वैल्यू आ गया ठीक है। अब हमारा देखिए ये एच का वैल्यू आ चुका है ना, तो अब तो आपका काम आसान हो गया ठीक है, क्योंकि एच का वैल्यू आने के बाद हमको तो अब कुछ करना नहीं रहता है ठीक है। इसके बाद आप देखिए, देखिए ये हमारा एच का वैल्यू आ गया ठीक है, दिस इज आवर एच। अगर के आपका रेडियस ऑफ जायरेशन है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू ओ, तो क्या होगा, तो इधर होगा हमारा एम के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ठीक है वो ओ से कितना दूरी पे है, तो इधर का जो वेट लेंगे हम लोग तो कितना वेट लेंगे ठीक है, ए बाई टू इधर का लेंथ है, ए बाई टू ठीक है ओके। अच्छा ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो जा रहा है। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो एक रॉड है ठीक है, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है अबाउट वन फिक्स्ड पॉइंट ओ, वो क्या होता है, वो होता है 1/3 ml² ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो बेंट है, तो बेंट में एक रॉड इधर है और एक रॉड आपका, एक तो आपने सीधा लिया हुआ है ठीक है, यहाँ पे कैसा लिया हम लोगों ने, एक हम लोगों ने लिया है इस तरह से, एक हम लोगों ने ये लिया हुआ है ये, और एक चूंकि बेंट है तो एक हमारा इस टाइप से है ठीक है ना,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ओ के बॉन्ड में कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे 1/3, इसके लिए तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एम इसका वेट क्या है, इसका वेट है ए डब्ल्यू, और लेंथ लेंथ इसका क्या है, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस। फिर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1/3, इसका वेट है बी डब्ल्यू, और लेंथ इसका क्या है, इसका लेंथ है बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो फिर आपका वही चीज आएगा, और ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो के स्क्वायर हमारा देखिए यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है। ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू टोटल मास था, तो हमारा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये के स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो अगर के स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है, तो अब हमको यहाँ से जो सिंपल पेंडुलम का लेंथ है वो निकालना काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक है। हम लोग जस्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला जो होता है एल इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई एच को अप्लाई कर देंगे। के स्क्वायर निकला हुआ है, एच पर भी निकला हुआ था। तो आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आ रहा है किससे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम से, ठीक है। तो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इसको आप अच्छे से कर लें, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा डायनामिक्स, यहाँ पे हम लोग का क्लोज हो गया है। तो इसके बाद फिर जो हाइड्रोडायनामिक्स का वीडियोस आएगा, जो लेक्चर, उसको भी आप जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है। इस इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।